हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। इसको हम डिस्कस करेंगे दो सेशंस में। इसमें हम कवर करेंगे एक तो आपका बेसिक पार्ट और दूसरा आपका अप्लाइड पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो सेशन में। तो जो भी आपका सेशन है उसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे उसी सेशन से रिलेटेड, उसको आपने टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, फर्स्ट चीज़ ये। दूसरी चीज़, जितनी भी हम डिस्कस करेंगे चीज़ें यहाँ पे, उसके अलावा भी बहुत सारी कई बार क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच जाती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन प्लांट पैथोलॉजी का, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वन, अगर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो पहली चीज़ क्या है कि जो प्लांट पैथोलॉजी है वो आपका कहाँ से ड्राइव हुआ है। बेसिकली वर्ड जो है वो है फाइटोस, पैथोस एंड लॉजी, यानी कि आपके पास में पूरा वर्ड क्या है, फाइटोपैथोलॉजी। अगर हम वर्ड की बात करें, कैसा वर्ड है ये, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये, बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। तो अगर हम इन तीन वर्ड्स की बात करें, फाइटोस, पैथोस और लॉजी की, जो मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, दैट इज फाइटोपैथोलॉजी। तो फाइटोस का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। पैथोस का मतलब क्या होता है, डिजीज या सफरिंग या एलमेंट, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई बीमारी है, राइट। एंड लास्ट वन इज लॉजी। लॉजी का मतलब आप सबको पता है, लोगस मतलब स्टडी, किसी के बारे में जानना। तो जब भी हम फाइटोपैथोलॉजी की बात करते हैं या प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं या फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में स्टडी करना है, तो स्टडी में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार बोल दिया कि हाँ जी फाइटोपैथोलॉजी है, प्लांट्स की डिजीज की स्टडी करनी है, बात खत्म। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिटेल में जानना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्लांट में कोई भी डिजीज है तो उस डिजीज का कारण क्या है, किस वजह से वो हो रही है, राइट। दूसरा, अगर उसका कोई कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किसी फंजाई से हो रही है, किसी वायरस से हो रही है या किसी बैक्टीरिया से हो रही है या इवन किसी मॉलिक्यूल से हो रही है, उसके बारे में जानना है, उसकी एटियोलॉजी जाननी है, यानी कि कॉज के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि अगर आपका बैक्टीरिया है तो कैसे बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कैसे फ्लैजला है, उसके बारे में स्टडी करना है, राइट। अब उसके बाद में रिजल्टिंग लॉसेस, कि किस किस टाइप के लॉसेस हो रहे हैं। अब ये लॉसेस आपके कैसे हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट लॉस हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पता है कि हमारा जो यील्ड है, यील्ड का हमें डायरेक्ट लॉस हो रहा है, ठीक है। या फिर ये लॉसेस कैसे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लॉसेस हो सकते हैं। इनडायरेक्ट लॉसेस में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कोई फील्ड में डिजीज आई है तो मेरे को क्या करना है, पेस्टिसाइड अप्लाई करना है। लेट सपोज अगर मैं पेस्टिसाइड कोई अप्लाई कर रही हूँ, जैसे फंजीसाइड अप्लाई कर रही हूँ या कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर रही हूँ, उसको खरीदने का खर्चा आएगा। जिस चीज से मैं उसको स्प्रे करूंगी, कोई इक्विपमेंट अगर मैं यूज कर रही हूँ या स्प्रेयर यूज कर रही हूँ, तो उसका भी तो मुझे खर्चा आएगा। तो वो क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट लॉस हो गया। अल्टीमेटली किसको लॉस हो रहा है, फार्मर को। लास्ट में हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, हमारी डिजीज मैनेज हो जानी चाहिए। तो बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी क्या है कि आपके प्लांट्स में डिजीज की स्टडी है। हम जान रहे हैं कि कोई बीमारी किस वजह से हो रही है, क्या उसकी इटियोलॉजी है, क्या हमारे पास में लॉसेस हो रहे हैं और अल्टीमेटली हमें कैसे इस डिजीज को मैनेज करना है। इस पूरी फील्ड को हम बच्चों क्या बोल देते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की। अब देखो हमने क्या बोला कि डिजीज की हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम डिजीज की बात कर रहे हैं तो डिजीज वर्ड देखो आप कैसे बना है, डिस एंड इज, दो वर्ड से मिलके बना है। डिस मतलब नो, इज मतलब कि अनकंफर्टेबल, कि कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से प्लांट कंफर्टेबल नहीं है। तो देखो जब हम डिजीज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या बोलता है कि इट इज अ माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन द प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रोसेस हो रही है, फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ हो रही है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं आपकी, है ना, उसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं, प्लांट की बॉडी कंट्रोल कर रही है अंदर से। एनाबॉलिक कोई भी प्रोसेसेस हो रही है या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सब कुछ क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही है। तो अल्टीमेटली डिसीज में क्या हो जाता है, किसी तरह की
माल फंक्शनिंग हो जाती है. तो इट इज अ माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन द प्लांट बॉडी कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूस इरिटेशन बाय सम एजेंट, कि कॉन्टिन्यूसली प्लांट को कोई चीज इरिटेट कर रही है और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें सफरिंग देखने को मिल रही है या लास्ट में हमें किसी तरह के सिम्टम प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई भी डिजीज आती है लास्ट में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना. जब भी आप देखते हो कि कोई डिसीज आई है, कैसे पता चलता है डिसीज आई है, जैसे लेट सपोज कई बार आपको प्लांट्स के ऊपर क्या है या लीव्स के ऊपर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, कई बार स्कैब के सिम्टम देखने को मिलते हैं, कई बार येलोइंग देखने को मिलती है. तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो रहा है, सिम्टम प्रोडक्शन हो रही है. तो बेसिकली हमारे पास में डिजीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि डिसीज में क्या हो रहा है, कि हेल्दी प्लांट से कोई भी डेविएशन अगर हो रही है, छोटी से छोटी डेविएशन भी हो रही है और अगर आपकी माल फंक्शनिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, हमेशा ही डिसीज बोल देंगे, राइट. तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि डिसीज क्या होता है. अब देखो आपने पीछे डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी होगी कि कॉज्ड बाय सम एजेंट. अब यहां पे जब हम यहां पे एजेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो सम एजेंट है इस एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट पैथोजन, ठीक है. इसी एजेंट को हमने क्या बोल दिया, प्लांट पैथोजन बोल दिया. अब ये जो आपका पैथोजन है, अगर आप वर्ड के ऊपर जाएंगे, अगेन पैथोजन वर्ड आपके दो वर्ड से मिला है, कैसे, पैथोस एंड जन. जन मतलब जनरेटिंग, जनरेटिंग मतलब कि कोई चीज क्या कर रही है, पैदा कर रहा है या कॉज कर रहा है. तो देखो पैथोजन क्या होता है, पैथोजन जनरेटिंग को कोई भी एजेंट या कोई भी एंटिटी जो आपके डिजीज को जनरेट करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन बोल देते हैं. चलो ये भी हमें क्लियर हो गया कि पैथोजन क्या होता है. अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अगर हम कॉज ऑफ द डिजीज की बात करते हैं तो कॉज ऑफ द डिजीज आपके दो हो सकते हैं, है ना. या तो वो फैक्टर कैसा होगा, लिविंग फैक्टर होगा, या फिर दूसरी चीज वो फैक्टर कैसा होगा, नॉन लिविंग फैक्टर होगा. अगर वो फैक्टर आपका लिविंग फैक्टर है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बायोटिक फैक्टर. अगर वो फैक्टर नॉन लिविंग है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एबायोटिक फैक्टर. तो इसके बीच में जो आता है, जैसे कि आपके वायरसेस हैं, ना तो आप उसको कंप्लीटली लिविंग बोल सकते हो ना तो नॉन लिविंग कंप्लीटली बोल सकते हो. इन द सेंस कि जब वो होस्ट के अंदर होता है तो लिविंग बोलते हैं, होस्ट के बाहर होता है तो क्या बोल देते हैं हम, कि वो नॉन लिविंग है ना, क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी है नहीं. तो यहां पे क्या होता है, ये जो आपका बायोटिक है और एबायोटिक है ना, इसके बीच में जो लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोबायोटिक, मेसोबायोटिक बीच वाला. तो जब ये आपके होस्ट के अंदर होता है तो अंदर होगा तो क्या होगा, बायोटिक ही होगा ना. तो जनरली क्या होता है, जो भी आपके पैथोजन है वो कौन से होते हैं, बायोटिक एंड मेसोबायोटिक एजेंट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन बोल देते हैं, राइट. ये जो आपके एबायोटिक हैं, एबायोटिक भी क्या करते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है या कोई कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी है या किसी चीज की डेफिशिएंसी है, वो सारा किस में आता है, या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये सारा का सारा आपका किस में आता है, एबायोटिक फैक्टर्स में आता है. तो इनकी वजह से जब भी कोई भी आपकी माल फंक्शनिंग होगी उसको हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज की जाती है उसके लिए, दैट इज उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर, ठीक है. तो एबायोटिक से जब भी कोई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोल देंगे, है ना. जैसे कि आपने मोस्टली सुना होगा कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की हम बात करें तो बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, खैरा डिजीज ऑफ राइस की अगर हम बात करें ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है ना. तो ये सारे क्या है, डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करते हैं. अब देखो अब हमने बात कर ली डिसीज के बारे में, पैथोजन के बारे में, अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम क्वेश्चंस या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन में देखो मेन क्या है हमारे पास में,
कि बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज, कि कारण क्या है डिजीज होने का उसके बेसिस पे। तो देखो बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज, हमारे पास में डिजीज है क्या बताया मैंने, दो कॉज, एक बताया बायोटिक, दूसरा बताया एबायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से जब भी डिजीज होगी उसको बोलते हैं इंफेक्शियस या फिर पैरासिटिक डिजीज, और जब भी कोई डिजीज एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होगी तो उसको हम हमेशा ही क्या बोल देते हैं, नॉन पैरासिटिक और नॉन इंफेक्शियस डिजीज। राइट, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि नॉन इंफेक्शियस में क्या आएगा, या डिसऑर्डर्स जो है वो सारे के सारे आपके इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे बायोटिक फैक्टर्स की, है ना, तो बायोटिक फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स में आप क्या आते हैं, जैसे कि फंजाई आ गया, या फिर आपके बैक्टीरिया आ गए, या फिर वायरसेस आ गए, उस केस में हमारे पास में आते हैं चार चीजें, यानी कि इंफेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज, है ना। उस केस में हमारे पास है एपिडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन चार चीजों की, आपको एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी चार चीजें हैं इसमें आपके डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज कि अगर इस तरह से कोई डिजीज आ रही है, इस एरिया में आ रही है, इस सीवियरिटी के साथ आ रही है, तो बताओ डिजीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक जो डिजीज आती है ये हमेशा याद रखना लार्ज एरिया में आती है, ठीक है। एपिडेमिक जैसे मान लो ये मेरा एरिया है तो हमेशा ये क्या करेगी, लार्ज एरिया में आएगी और काफी सीवियर डिजीज आएगी, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब ये होता है विच अकर ओवर अ लार्ज एरिया और या फिर लार्ज पॉपुलेशन को जो अफेक्ट करती है, ठीक है। प्लांट्स के केस में इसी के लिए हमारे पास एक और टर्म यूज की जाती है, दैट इज एपिफाइटोटिक, ठीक है। दूसरा हमारे पास में बोला है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है, जो आपके किसी एरिया में कभी कभी आएगी और कहीं कहीं आएगी, यानी कि आपने स्पोरेडिक में याद रखना है इरेगुलर एरिया और इरेगुलर इंटरवल, ठीक है। इरेगुलर एरिया एंड इरेगुलर इंटरवल पे जो भी डिजीज आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेडिक डिजीज बोल देते हैं। नेक्स्ट इज एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो आपकी एंडेमिक डिजीज होती है ये एक पर्टिकुलर एरिया में आएगी और लेस टू मोर सीवियर फॉर्म में आएगी। कई बार हो सकता है कम सीवियर फॉर्म में आए, कई बार हो सकता है बहुत सीवियर फॉर्म में आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। एंड लास्ट वन इज पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज क्या होती है, जो आपके बहुत ही लार्ज एरिया में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्टिनेंट में कोई डिजीज आ रही है, वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज आ रही है, या कंट्री में कोई डिजीज आ रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पेंडेमिक डिजीज आ रही बोल देते हैं। अब ये जो पेंडेमिक डिजीज है, कुछ एरिया में हो सकता है ये कम सीवियरिटी के साथ आए, कुछ एरिया में ये ज्यादा सीवियरिटी के साथ आती है। तो ये जो आपकी पेंडेमिक डिजीज होती है, पेंडेमिक डिजीज हो सकता है आपके किसी एरिया में ये क्या हो, एंडेमिक की तरह एक्ट करे, या किसी एरिया में ये एपिडेमिक की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, या मेन डेफिनेशंस आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की है, बेस्ड ऑन इंफेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज। जैसे कि हमने अभी एक बार फिर से बता देती हूं, अगर हम एंडेमिक एरिया की बात करेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना नाम में, एंडेमिक एरिया की बात करेंगे तो एंडेमिक एरिया में क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में आएगी, मोर और लेस सीवियर फॉर्म में आएगी। अगर हम एपिडेमिक की बात करेंगे तो एपिडेमिक लार्ज एरिया में आएगी, ज्यादा सीवियर फॉर्म में आएगी, है ना। हो सकता है एपिडेमिक में डिजीज जो है पहले से ही वहां पे प्रेजेंट है, बट कई बार कंडीशंस ऐसी बनी कि पैथोजन जो था उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है डिजीज कॉज करने के लिए, तो ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में आ गई, है ना, एंड जो आपकी एपिडेमिक डिजीज है। देन स्पोरेडिक डिजीज कभी कभी कहीं कहीं, है ना। और लास्ट वन इज
पेंडेमिक डिजीज जो आपकी हो सकता है किसी एरिया में एंडेमिक एक्ट करे और किसी एरिया में एपिडेमिक एक्ट करे। तो ये हमारी मेन क्लासिफिकेशन है आपकी डिजीज की। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं या फैक्ट्स की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो देखो ये जो आपके फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, फादर हम कब बोलते हैं, जब उन्होंने कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट काम किया होता है ना। तो अगर आप बोलोगे कि नेशनली अगर हम बोले आपके फादर कौन है प्लांट पैथोलॉजी के, इंडियन फादर कौन है, दैट इज ईजे बटलर, ठीक है, एडविन जॉन बटलर, ये आपके इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं। अगर आप इंटरनेशनली बात करें या ओवरऑल बात करें, जहां पे मेंशन ही नहीं किया कि इंडियन फादर कौन है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कौन है आपके पास में, एंटन डे बेरी, ठीक है। तो जो आपके मेन फादर हैं दैट इज एंटन डे बेरी। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में फादर कौन है प्लांट पैथोलॉजी के, एडविन जॉन बटलर। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस। तो इसके जो फादर हैं दैट इज पी ए मिशेली, पायर एंटोनियो मिशेली, ठीक है। अगर हम बात करें फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर की, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, प्लांट्स में बैक्टीरिया की स्टडी, है ना। फाइटो मतलब प्लांट्स, बैक्टीरियो बैक्टीरिया की, लॉजी मतलब स्टडी। तो इसके जो आपके फादर हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो कौन है, ई एफ स्मिथ। बट अगर हम फिर से बात करें कि इंडिया में कौन है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर, तो कौन है, एम के पटेल, ठीक है। अब बात करते हैं वायरोलॉजी की। तो वायरोलॉजी के केस में क्या है, फादर ऑफ वायरोलॉजी हमारे पास में कौन है, एम डब्ल्यू बायरिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखो कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो आपका वायरस है, वायरस के लिए पहले क्या टर्म दी गई थी, तो वायरस के लिए पहले टर्म दी गई थी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, और ये टर्म किसने दी थी, एम डब्ल्यू बायरिंग ने दी थी। कब दी थी, 1898 में दी थी, जिसका मतलब क्या होता है, इंफेक्शियस या फिर कंटेजियस लिविंग फ्लूड। तो ये टर्म किसके लिए दी गई थी, वायरस के लिए दी गई थी। कई बार पूछ लेते हैं कि वायरस के लिए टर्म क्या दी गई थी, तो इन वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया होता है, जैसे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम है तो यहां लिख दिया होगा वाइवम कॉन्टेजियम फ्लूडम, जैसे वर्ड्स को क्या कर दिया होता है, रीअरेंज कर दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है, मीनिंग पता होना चाहिए, किसके लिए टर्म दी है, किसने टर्म दी है, ये पता होना चाहिए, और फादर कौन से फील्ड के फादर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपकी मेन चीजें हैं। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि जो आपके वायरसेस है वो कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे। तो वायरसेस कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुए थे आपके, टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए। आपने सुना होगा कई बार लिखा होता है वायरस के लिए नाम लिखा होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो डिजीज कौन सी थी आपके पास में सबसे पहले, टोबैको मोज़ेक डिजीज, जिसके लिए आपके वायरसेस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे। वैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जो आपके प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, जो आपकी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर है, उस डिजीज को सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को रिपोर्ट किया था टीजे ब्यूरिल ने। तो ये जो आपकी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर है, इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था, जो बैक्टीरिया से डिजीज होती है, और उसका जो पैथोजन है वो क्या है, अर्विनिया अमाइलोवोरा, जो एक बैक्टीरिया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स के केस में देखो क्या होता है, ये जो आपके वायरॉइड्स हैं और ये जो वायरस हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो वायरॉइड आपके कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर किए गए थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसके लिए डिस्कवर हुए थे। और वायरस का मैंने क्या बोला, टोबैको मोज़ेक डिजीज, इस डिजीज के लिए सबसे पहले वायरसेस को डिस्कवर किया गया था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। तो ये जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसी स्टेटमेंट ने दिया था। कब दिया था, 1915 में दिया था। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, इसी स्टेटमेंट ने दिया, ये तो हमें पता लग गया कि किसने टर्म दी थी। बट यहां पे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कॉन्सेप्ट को देने के अलावा इसके बारे में डिटेल में किसने बताया था।
तो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल में बताया था गोमेन ने 1946, है ना, डिटेल में बताया था कि क्या एक्चुअल में हाइपर सेंसिटिविटी है, कैसे होती है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, बेसिकली रैपिड सेल डेथ हो जाती है। जैसे कोई पैथोजन इन्वेड करेगा उसी टाइम पे, रैपिड सेल डेथ को हम क्या बोल देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्या क्वेश्चन है कि जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था, एच फ्लोर ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1946 में दिया था। और किस डिजीज के लिए दिया था, बेसिकली फ्लैक्स या फिर लिंसीड या अलसी का जो रस्ट होता है उसके लिए हमें जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, किसने दिया है, एच फ्लोर ने दिया है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट चीज, एडोल्फ मेयर ने क्या बोला था, जिस डिजीज के लिए आपके वायरसेस डिस्कवर हुए। पहले नहीं पता था कि वायरसेस बेसिकली क्या है, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये आपके कोई डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हो रही है, कुछ आइडिया नहीं था, है ना। तो इन्होंने एडोल्फ मेयर ने क्या बोला था कि देखो ये जो टोबैको मोज़ेक है, ना तो ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ना ही ये किसी इम्बेलेंस से हो रहा है न्यूट्रिशन के, बट अगर मैं प्लांट सैप को बॉइल कर दूं तो उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो वायरस की इन्फेक्टिविटी है, वो खत्म हो सकती है। ये किसने बोला था, एडोल्फ मेयर ने बोला था, क्योंकि शुरू में क्लियर नहीं था वायरसेस के बारे में कि क्या है कैसे है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डब्ल्यू एम स्टैनले इन 1935। तो ये और इनके कलीग्स ने क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन की थी टीएमवी की, टोबैको मोज़ेक वायरस की। अब देखो वायरस किस चीज का बना है, प्रोटीन्स का बना है और न्यूक्लिक एसिड का बना है, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन किसने की, डब्ल्यू एम स्टैनले ने की, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। अब देखो हमने बात कर ली फंजाई के फादर कौन है, बैक्टीरिया के फादर कौन है ना, स्टडी आई मीन बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, माइकोलॉजी के फादर कौन है, वायरोलॉजी के फादर कौन है। हमने इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर कर ली कि किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कैसे वायरसेस डिस्कवर हुए थे या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। अब देखो अब बात करते हैं हम डाइनर की। डाइनर ने रिपोर्ट किया था कि जो आपका वायरॉइड है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि वायरस एंड वायरॉइड डिफरेंट है, तो उन्होंने बोला था ये जो आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है, ये आपका स्मॉल नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ इंफेक्शियस आरएनए से होता है ना। तो उसी के लिए टर्म क्या दे दी हमने, वायरॉइड दे दी। दैट मींस कि जो आपके वायरॉइड होते हैं ये हमेशा ही नेकेड होते हैं, नेकेड मींस इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। दूसरा, इनके केस में हमेशा ही क्या होता है, इंफेक्शियस आरएनए प्रेजेंट होता है। जबकि वायरसेस के केस में क्या होता है, वायरसेस के केस में आपके पास में सबसे पहली चीज की प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, दूसरी चीज की उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। इसके केस में हमेशा ही क्या रहेगा, आरएनए रहेगा, राइट। इसके अलावा लास्ट वन इज फिशर स्मिथ कॉन्ट्रोवर्सी, जहां पे बोला था जो आपके ई एफ स्मिथ है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, उन्होंने बोला था कि ये जो आपके बैक्टीरिया हैं ये प्लांट में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। बट फिशर ने बोला कि नहीं, ये एक्सीडेंटल इन्वेडर्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली उनका बैटल चलता रहा, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, दूसरे उसको प्रूव करने के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट करते थे, तो 7 साल तक ये कॉन्ट्रोवर्सी चली। और अल्टीमेटली जो विनर थे, जो करेक्ट थे, वो कौन थे, ई एफ स्मिथ करेक्ट थे, है ना, इसलिए उनको फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं थोड़े से फैमिन्स की, बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एपिडेमिक्स रहे हमारी हिस्ट्री में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप बोलते हैं आयरिश फैमिन, है ना, आयरिश फैमिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिन है, या फिर इसको हम ग्रेट हंगर पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस फैमिन के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत भुखमरी आ गई थी, बहुत स्टारवेशन आ गई थी, है ना। तो ये जो आपका आयरिश फैमिन है, सबसे पहली बात क्या होती है कि आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज की वजह से आया था, या क्या उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था, या फिर अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम नहीं पूछा तो कैटेगरी पूछ लेते हैं कि फंजाई की वजह से हुआ कोई डिजीज, या बैक्टीरिया की वजह से हुआ, या वायरस की वजह से हुआ। तो ये जो आपका आयरिश फैमिन है, बेसिकली ये आपका फंगस की वजह से हुआ। फंगस का नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, है ना। डिजीज कौन सी कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है,
है ना, ये जो आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है इसने कॉज की डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसकी वजह से सारे के सारे आलू खराब हो गए और बहुत सारे लोग आलू के ऊपर इस टाइम डिपेंडेंट थे। और ये जो आपका फैमिन था ये कौन से टाइम पे आया था, 1845 से 1852 आयरिश फैमिन, है ना। और उस टाइम पे किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो जो आपके एंटन डेबेरी थे, जो हमने फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात की, उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है ये एक फंगस की वजह से हो रही है, और उन्होंने उसका नाम किया रखा था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नाम किसने दिया है, एंटन डेबेरी ने दिया है। और ये कब आया था फैमिन आपका, 1845 से 1852 में आया था। और कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, एक फंगस है जिसका नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बंगाल फैमिन। अब देखो जब हम बंगाल फैमिन की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था, जब हम अभी जो हम वेस्ट बंगाल वगैरह वाला एरिया बोलते हैं ना, जो उड़ीसा एरिया है, बिहार एरिया है, उस टाइम पे सारे एरिया किस में थे, बंगाल प्रोविंस के अंदर आते थे, है ना। तो क्या हुआ था इस टाइम पे, जो क्रॉप जिसके ऊपर ये आपका फैमिन मेनली आया था, दैट इज राइस, है ना, पैडी की जो क्रॉप थी वो इसने खराब की थी, ठीक है। फैमिन का नाम बंगाल फैमिन रख दिया एरिया की वजह से। बट अगर हम बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसके केस में भी क्या है, फंगस है। फंगस का नाम क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे इस फंगस का नाम है ना। ये जो आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे है ये इसकी एसेक्सुअल स्टेज है फंगस की। सेक्सुअल स्टेज का नाम है कॉक्लियोबोलस मियाबिन्स। मोस्टली जो आपसे नाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला नाम, ठीक है। तो इसने क्या किया था, मोर देन 90% ऑफ द राइस वैरायटीज को उसने खराब कर दिया था, साइक्लोन से भी ज्यादा डैमेज थी, और उसकी वजह से जो राइस था उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे उस टाइम पे। और ये जो बंगाल फैमिन है इस, ये कब आया था आपका, 1943 में आया था। आया कब, 1943 में। क्रॉप कौन से उस टाइम पे, पैडी की वैरायटीज को इसने, राइस की वैरायटीज को इसने खराब किया था। अगर हम पैथोजन की बात करें, फंगस है, फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। अगर सेक्सुअल स्टेज की बात करें तो सेक्सुअल स्टेज क्या है, कॉक्लियोबोलस मियाबिनस है, ठीक है। तो ये आपका बंगाल फैमिन है, राइट। इसी तरह से हमारे पास में और भी फैमिन है, जैसे कि हम बात करते हैं कॉफी रस्ट की, है ना। तो जो कॉफी रस्ट है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो किस वजह से आया था आपको कॉफी रस्ट, हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स डिजीज की वजह से आया था। इसकी वजह से भी हमारी हिस्ट्री में बहुत बार एपिडेमिक्स आए हुए हैं, है ना। अगर हम बात करें बाकी डिजीज की, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसके हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अभी हम आगे देखेंगे पूरा टेबल की कहाँ पे कौन सी डिजीज है या क्या इंपॉर्टेंट डिजीज है, हम सारा डिस्कस करेंगे उनके बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपको समझ में आया क्या क्या हमने पढ़ा भी, है ना। वैसे अगर हम बात करें मेज की, तो ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज जो है, ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज किसकी वजह से होता है, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस की वजह से होता है। अगर हम ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की बात करें, तो डिजीज जो है आपकी वो थी बंगाल फैमिन में, तो राइस के केस में हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे हो जाएगा। मेज के केस में क्या हो जाता है, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस हो जाता है ना। तो आपने सुना होगा सदरन कॉर्न लीफ ब्लाइट, तो ये जो आपका है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका सदरन कॉर्न लीफ ब्लाइट है, ये आपका ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज की वजह से आया था। पैथोजन का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस, ठीक है। ये जो डिजीज है इसकी वजह से होती है ये, ठीक है। पैथोजन का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस। और अगर हम बात करें इसमें भी अलग अलग रेसेस हैं, जैसे कि रेस ओ, रेस सी एंड रेस टी। तो कई बार बोल देते हैं कि कौन सी रेस थी जिसने अटैक किया था, तो इसके केस में जो हमारे पास में रेस थी वो रेस थी आपके पास में रेस टी, ठीक है। और इसने पर्टिकुलर किस वैरायटी पे अटैक किया था, किस टाइप के उस पे अटैक किया था, टेक्सस मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म, टीसीएम में सुना आपने होगा, इन लाइंस पे अटैक किया था। तो जब इन लाइंस का मोनोकल्चर हुआ, तो उस टाइम पे ये जो रेस थी ये इसके ऊपर अटैक कर सकती थी, तो इस रेस ने क्या किया, इन वैरायटीज के ऊपर अटैक किया,
है ना, और बहुत ही ज्यादा डैमेज कॉज किया था। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एपिडेमिक्स की मैं बात कर रही हूँ थोड़ी बहुत, कि कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज हैं आपकी जिनकी वजह से काफी लॉसेस हुए थे, ठीक है। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे सेल वॉल ऑफ इंपॉर्टेंट पैथोजेंस की, जैसे कि फंजाई है या बैक्टीरिया है। तो देखो, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो आपका काइटिन एंड ग्लूकन्स की बनी होती है, ठीक है। काइटिन एंड ग्लूकन्स की बनी होती है, सेलुलोज नहीं होता है। जो सेलुलोज होता है वो आपका लोअर फंजाई में होता है ना, जैसे ओमाइसीट्स हैं, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। जो आपके मेन फंजाई हैं उसमें किसकी बनी होगी सेल वॉल? काइटिन एंड ग्लूकन की बनी होगी। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल होता है वो आपका म्यूरिन का बना होता है, और म्यूरिन को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकन। तो ये जो आपका म्यूरिन है, या फिर ये जो आपका पेप्टिडो ग्लाइकन है, ये मेन कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में। 90% ऑफ दी जो आपकी सेल वॉल है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ये जो मेजर कंपोनेंट रहता है म्यूरिन का, 90% रहता है ग्राम पॉजिटिव में, और अप टू 5% रहता है ग्राम नेगेटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव में अप टू 90% रहेगा, ग्राम नेगेटिव में अप टू 5% रहेगा जो आपका म्यूरिन कंटेंट है, या फिर जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट रहता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपका ग्राम नेगेटिव होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जितना भी मटेरियल सेल वॉल के अंदर होता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ऑलराइट, अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक चीज है, दैट इज प्लाज्मिड, वो भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया के पास में अपना डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास आरएनए नहीं है, बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। तो बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है, अपने जीन्स है, अपना क्रोमोजोम है, सब कुछ है। कई बार क्या होता है, एडिशनल क्रोमोजोम सर्कुलर फॉर्म में वहां प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा जीन्स होंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, जैसे लेट सपोज, या फिर उसको कोई प्रोटेक्शन के जीन्स हैं, वो सारे प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगे। जब उसको जरूरत होगी वो उसको यूटिलाइज करेगा। ऑलराइट, अगर हम पिलाई की बात करें तो पिलाई क्या होता है? ये स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, है ना, जो बेसिकली क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, अब बात करें अगर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की, तो रिप्रोडक्शन में देखो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, मेनली तो किससे होती है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन? फ्यूजन से होती है, या फिर बाइनरी फ्यूजन भी बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है वो आपका दो बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना। फ्यूजन या फिर बाइनरी फ्यूजन में एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, मेनली रिप्रोडक्शन इसी के थ्रू होती है। एक बैक्टीरिया जो है, इसका अगर हम रेट की बात करें तो डिवाइड करता है इन एवरी 20 to 50 मिनट्स, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लीकेशन का रेट है। जैसे ये आपके पास में एक बैक्टीरिया का सेल है, ये क्या करेगा? सबसे पहले तो इसने क्या करना है, जब इसने डिवाइड होना है, ऐसा नहीं होगा ये बोलेगा कि चलो जी प्लाज्मिड तुम रख लो एक सेल को और पिलाई तुम रख लो, बराबरी करेगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि एक को एक चीज दी दूसरे को नहीं दी। तो सबसे पहले क्या करेगा, जितना भी इसके अंदर मटेरियल है उसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा? इलोंगेट कर जाएगा। इलोंगेट करने के बाद क्या करेगा? एक क्रॉस वॉल बना लेगा, और क्रॉस वॉल बनाने के बाद में ये सेपरेट कर देगा दो सेल्स को। यही बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में तीन प्रोसेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये सेक्सुअल प्रोसेसेस नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, बट इन प्रोसेसेस में ऐसा नहीं है। इन प्रोसेसेस में बेसिकली क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल आपका एक्सचेंज हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन, थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेशन ओनली ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरियल सेल्स आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन ही ऐसी प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ना, दो बैक्टीरियल सेल्स पिलाई की हेल्प से अटैच होते हैं।
जैसे आपने पढ़ा होगा ना एफ पॉजिटिव सेल एफ नेगेटिव सेल, जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है दैट इज एफ पॉजिटिव, है ना, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है दैट इज एफ नेगेटिव। तो क्या होता है ये जो कॉन्जुगेशन है इसमें जो दो सेल्स हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जिसके पास प्लाज्मिड है वो क्या करेगा एक कॉपी दूसरे सेल को देने की कोशिश करेगा, मतलब देगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें हमें एक फाज पार्टिकल की जरूरत होती है, जैसे जो जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरस है, वायरस क्या करता है अपना रिप्रोडक्शन खुद से नहीं कर सकता आउटसाइड द होस्ट, उसको अगर अपनी कॉपीज बनानी है उसको किसी होस्ट के अंदर जाना है, तो वायरस क्या करता है बेसिकली किसी बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर गया उसके बाद भी वो क्या करेगा उसकी जितनी भी मशीनरी है उसको यूज करेगा और अपना रिप्रोडक्शन करेगा। जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, या तो अपनी कॉपीज बना के निकलेगा, है ना, प्रोटीन कोड बना के निकलेगा। कई बार क्या होता है वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल अपने ही प्रोटीन कोड के अंदर रखना था, ठीक है, इस तरह से, पर गलती से क्या हुआ ये जो प्रोटीन कोट है इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल आ गया। जब इस पार्टिकल ने दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो वहां पे जाके रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि ट्रांसडक्शन किससे होता है या बेसिकली कौन सा उसमें इन्वॉल्व है चीज, दैट इज फाज पार्टिकल्स। लास्ट वन इसमें अगर हम बात करें दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि कोई सिक्रीट हो गया किसी कल्चर से तो वो क्या करेगा दूसरा बैक्टीरिया उसको अपटेक कर लेगा, अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिक्रेटेड जेनेटिक मटेरियल जो भी नियर बाय है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो किस में होता है ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रिफिथ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ना माइस वाला, तो ये बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये पता चल गया, इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई रिप्रोडक्शन से क्या क्या है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स में देखो सब कुछ सेम है जो बैक्टीरिया में होता है, मॉलिक्यूल्स में भी डीएनए है, ठीक है, बट एक चीज क्या डिफर करती है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। मॉलिक्यूल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स में सेल वॉल क्या है आपकी एब्सेंट है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कहां पे ये रहते हैं, तो बेसिकली ये आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स में रहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहां पे होते हैं, फ्लोएम टिश्यू में होते हैं। तो अगर इनको ट्रांसमिट करना है तो किसी को फ्लोएम टिश्यू पे फीड करना पड़ेगा, तो ऐसे में कौन आएगा हमारे पास, जो आपके प्लांट हॉपर्स हैं और लीफ हॉपर्स हैं वो इसके वेक्टर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कहां रहते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में रहते हैं, फ्लोएम टिश्यू में। और इनको कौन ट्रांसमिट करता है, इनको आपके प्लांट हॉपर्स और लीफ हॉपर्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, स्पायरोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा। सुना होगा आपने इसके बारे में। तो देखो ये जो आपके स्पायरोप्लाज्मा है आपने याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि स्पायरोप्लाज्मा क्या है, कल्चरेबल है, इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा आपके नॉन कल्चरेबल है, इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। स्पायरोप्लाज्मा कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, जैसे कि कॉन्स्टंट है, सिट्रस स्टबर्न डिजीज है। फाइटोप्लाज्मा कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, येलोस टाइप के सिम्टम, जैसे कि सेंडल स्पाइक है, पीच येलोस है, एल्म येलोस है। ये कौन कॉज करता है, फाइटोप्लाज्मा कॉज करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, उसको भी कौन कॉज करता है, फाइटोप्लाज्मा कॉज करता है। वहां पे ये मत सोचना कि कोई डेफिशिएंसी से हो रहा है, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके पास में, फाइटोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, अब देखो इन दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज, कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है दैट इज ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, दोनों के केस में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या फिर आप बोल लीजिए टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या है, ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मतलब जिसका असर इन पे हो जाता है,
जबकि पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब कि जब भी डिजीज आएगी पेनिसिलिन अगर स्प्रे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेनिसिलिन करता है सेल वॉल पे एक्ट, और इसमें सेल वॉल तो है नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये क्या है, पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टेबल है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, इससे क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हमें इसके सिम्टम्स में। यहां तक समझ आ गया? अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल गए। अब बात करते हैं प्लांट वायरसेस की। प्लांट वायरसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है कि प्रोटीन भी यहां पे है और साथ में न्यूक्लिक एसिड भी है। तो देखो, ये जो इसमें प्रोटीन है और जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन का काम क्या होता है, कोट बनाना, ठीक है? और इसी कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं होते हैं, ठीक है? और आपके वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि जिसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या खाने के लिए दूसरे होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है? हमेशा ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है? कि हमेशा वही चीज चाहिए, ठीक है? और ये क्या करता है, होस्ट की जो प्रोटीन है उसको ये यूटिलाइज करता है, ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है। वायरसेस के केस में अगर हम बात करें तो क्या बताया मैंने, या तो डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है, और वो प्रोटीन कोट के अंदर एनकैप्सिडेटेड होते हैं, जिस कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये डिस्कस किया। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है और जो प्रोटीन पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है 5 to 40%, और मेन जो इन्फेक्टिविटी होती है वो आपकी इसी वजह से होती है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से होती है, जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। कितना है वो, 5 to 40। बचा कितना फिर, 60 to 95। तो प्रोटीन कितना है, 60 to 95, और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो कितना है, 5 to 40%। तो देखो, एक बहुत ही आपने याद रखना है की रूल क्या, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो वायरसेस में इन्फेक्टिविटी कॉज करता है ना, मेन जो है, दैट इज या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर मैं वायरॉइड की बात करूं तो वायरॉइड में हमेशा ही कौन इन्फेक्शन कॉज करेगा, ऑलवेज आरएनए, है ना? जो आपका सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर, जो नेकेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड, वो कॉज करेगा। और अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज करता है, तो कौन है वो, प्रायोन्स। प्रायोन्स में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो मिसफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है, दैट इज कि जो आपके वायरसेस हैं, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या तो फिर वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। आपने सुना है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लिखा होता है कई बार ऐसे, या फिर डीएस आरएनए, है ना? या तो कई बार लिखा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसमें आता है टोबैको मोज़ेक वायरस, सबसे सिंपल। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें आता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है? सिंगल स्ट्रैंडेड में टीएमवी और डबल स्ट्रैंडेड में आपका डीएनए में सीएमवी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। सीए मतलब कॉलीफ्लावर, एमवी मतलब मोज़ेक वायरस। क्लियर हो गया हमें इतना, हमने पढ़ लिया पैरासिटिक कॉजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी यहां पे। अब वायरॉइड्स की बात करें, ठीक है, वायरॉइड्स की बात करें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरसेस में सबसे कॉमन जो वेक्टर होता है दैट इज एफिड, ठीक है? पर ये मत सोचना कि जितनी भी डिजीजे सारे एफिड ट्रांसमिट कर रहे हैं, नो, कई जगह पे आपके व्हाइट फ्लाइज आएंगी, है ना, और कई जगह पे आपके थ्रिप्स आएंगे, जैसे कि जो आपका ग्राउंड नट में एक डिजीज आती है ना, बर्ड नेक्रोसिस, तो उसमें जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो आपके थ्रिप्स होते हैं, ठीक है? अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में जो एफिड है सबसे कॉमन वेक्टर्स है, ठीक
ठीक है, अगर हम व्हाइट फ्लाइज की बात करें तो कॉटन लीफ कर्ल डिजीज में कौन है वेक्टर आपका? व्हाइट फ्लाइज है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हर डिजीज में आपके एफिड्स ही आएंगे, पर मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन से आपके एफिड्स हैं मोस्ट ऑफ द डिजीज में, ठीक है, फर्स्ट चीज ये। दूसरा, अगर हम ऑर्डर की बात करें कि वायरसेस की ट्रांसमिशन, तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी होगी, इंसेक्ट से भी होगी, है ना, आपके ट्यूबर्स वगैरह से भी होगी, या तो आपके पॉलन से भी होगी। बट जो सबसे कॉमन ऑर्डर है इंसेक्ट में जो वायरसेस को ट्रांसमिट करता है, दैट इज वायरसेस की अभी बात करी हूं मैं, दैट इज हेमिप्टेरा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट वायरसेस में जो आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज कि जो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये ऑलमोस्ट 78% ये मैक्सिमम आपके प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वायरसेस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, राइट। ऑर्डर मैंने बता दिया कौन सा हेमिप्टेरा है, सबसे कॉमन वेक्टर्स कौन है आपके एफिड्स है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और साथ में ये भी बोल दिया कि जो जो आपके डिजीज हैं उसमें, वायरल डिजीज में वेक्टर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अबाउट बैक्टीरिया, कि मैक्सिमम जो आपके बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, रॉड शेप के हैं, बैक्टीरिया का पॉइंट बता रही हूं कि मैक्सिमम बैक्टीरिया रॉड शेप के हैं, एक्सेप्शन इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो आपका फिलामेंटस शेप में है, या जो फिलामेंटस है, ठीक है, राइट। दूसरा, ये आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये कोनिडिया बनाता है चेन्स में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाओ वायरॉइड पे, डिफरेंस बता दिया मैंने वायरस और वायरॉइड में, मेन डिफरेंस क्या है। अब देखो डिजीज पे आते हैं, कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो वायरॉइड से होती है, कई बार पूछ लेते हैं कि देखो जी कडंग कडंग है, बताओ इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि आपको नाम दिया होगा, कई बार सिर्फ कैटेगरी दी होती है कि क्या फंजाई है, क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है, क्या वायरॉइड है। तो यहाँ पे जो आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, कडंग कडंग डिजीज में वायरॉइड है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसके लिए सबसे पहले वायरॉइड आपके डिस्कवर हुए थे, सिट्रस एक्सोकॉटिस, एवोकेडो, सनब्लॉच, क्राइसेंथेमम स्टंट, एप्पल स्कार स्किन, इन सब डिजीज में जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा ही वायरॉइड रहेगा। याद रखना कि वायरॉइड इन सबको कॉज करता है, ठीक है, राइट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आपके प्लांट पैरासाइट्स पे, ठीक है। तो जैसे कि जो आपके प्लांट पैरासाइट्स हैं, दो टाइप के होंगे, या तो स्टेम पैरासाइट या तो रूट पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट में दो कैटेगरीज है, या तो स्टेम पैरासाइट या फिर रूट पैरासाइट। अब यहां पे भी देखो क्या होता है कि जो आपके स्टेम पैरासाइट हैं, या तो वो होते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, या फिर वो होते हैं आपके पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। या तो ये क्या होंगे, टोटल या फिर पार्शियल। सिमिलरली रूट में भी क्या होगा, या टोटल या तो पार्शियल। अगर वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब उसको सब कुछ प्लांट से चाहिए, वाटर भी, मिनरल्स भी, फूड भी। अगर पार्शियल है तो या तो उसको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होंगे, या तो फूड चाहिए होगा, ठीक है। सेम चीज रूट पैरासाइट के साथ भी है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कसकटा, है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डॉडर, या फिर बाकी नाम इसके कॉमन नेम आप पढ़ सकते हैं। पार्शियल की बात करें तो पार्शियल में हमारे पास क्या है, डेंड्रोथोई। डेंड्रोथोई को हम क्या बोल देते हैं, लोरेंथस बोल देते हैं। रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट क्या है, ओरोबैंके। इसी को हम टोकरा बोल देते हैं, ब्रूम टेप बोल देते हैं। पार्शियल क्या है, स्ट्रिगा। स्ट्रिगा को ही हम विच वीड बोल देते हैं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है वो, कि स्ट्रिगा मेजर वीड या फिर मेजर पैरासिटिक प्लांट किसका है। तो कौन है वो, सॉर्गम, मेज, शुगर केन।
मेनली अगर हम बात करें तो मेज का तो भी पैरासाइट है ही, बट इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉर्गम एंड शुगर केन का भी, ठीक है? तो ये जो आपका स्ट्रीगा है ये पार्शियल कौन सा है, रूट पैरासाइट है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए, कैटेगरीज पता होनी चाहिए, और होस्ट में यहाँ पे होस्ट दिए गए हैं, पर मेनली आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ऑलराइट, तो ये हमने अभी बेसिक डिस्कस किया है ना, किस किस चीज का बेसिक डिस्कस किया अभी हमने? हमने डिस्कस किया फंजाई का, बैक्टीरिया का, वायरॉइड्स का, मॉलिक्यूल्स का, और जो भी आपके फेनरोगैमिक पैरासाइट प्लांट्स हैं या फिर हायर पैरासिटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं या प्लांट्स को पैरासिटाइज करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, उनके इंपॉर्टेंट होस्ट के बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, राइट? तो ये जो जितना भी हमने अभी पार्ट डिस्कस किया, ये हमें पता होना चाहिए कि एपिडेमिक है तो एपिडेमिक का क्या मतलब है, एंडेमिक है तो उसका मतलब क्या है, स्पोरेडिक का मतलब क्या है, और पेंडेमिक का क्या मतलब है। ऑलराइट, तो जितनी भी आपकी चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अपने पोर्शन की बात करें जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिजीजेस के बारे में, अप्लाइड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्रॉप में कौन सी डिजीज आती है, किसकी वजह से वो होती है, क्या उसके सिम्टम्स है, कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो आपको मैं थोड़ा सा हाइलाइट्स दे देती हूँ नेक्स्ट पार्ट के बारे में, ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी आपका कभी भी जब भी क्वेश्चन अप्लाइड पार्ट से आता है तो उससे कैसे क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट अब मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस की कैटेगरी हो सकती है। फर्स्ट, किस क्रॉप की इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे किसी डिजीज का नाम दे दिया, ठीक है? और जैसे बोल दिया कि चलो जी टंगरो डिजीज की बात करते हैं, तो टंगरो किसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्रॉप पूछ लेते हैं, या फिर ये डिजीज, ये इस क्रॉप की इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है, कैसे भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, कॉमन नेम, कि जो आपका डिजीज है उसका कॉमन नेम क्या है। जैसे राइस ब्लास्ट है, राइस ब्लास्ट को बोलते हैं रिच मैंस डिजीज, है ना? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को बोलते हैं पुअर मैंस डिजीज, तो कॉमन नेम क्या है। तीसरी कैटेगरी, सिम्टम दे दिया पूरा का पूरा और बोला कि बताओ, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये कि ये जो आपका सिम्टम है ये कौन सी डिजीज का है, ठीक है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि पूरा का पूरा सिम्टम दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया और बोला ये कौन सी डिजीज का सिम्टम है। तो वहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले कॉमन सिम्टम पहचानेंगे कॉमन कौन सा है, फिर जाएंगे हम पर्टिकुलर सिम्टम पे, ठीक है? उसके बाद में आपके पास में टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आता है कि पैथोजन क्या है। पैथोजन में दो कैटेगरीज हैं, दैट इज पैथोजन में पूछ लेते हैं पहले तो कि कैटेगरी क्या है, क्या ये फंजाई से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, मॉलिक्यूल से हो रही है, डिसऑर्डर है क्या है, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर पैथोजन का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट टाइप क्या है कि अगर डिजीज की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? और हमसे पूछी जा सकती है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि इस मैनेजमेंट को किस तरह से करेंगे, कि या सी ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो यही पैटर्न हमेशा रहता है आपका किसी भी अप्लाइड पोर्शन में किसी भी डिजीज के लिए। और अगर आपके पास में वायरसेस से क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमेशा ही क्या पूछा जाता है, मोस्टली वेक्टर पूछा जाता है, इसके बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आता अप्लाइड पोर्शन से, हमेशा यही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत ही रेयर कोई कैटेगरी बनेगी, हमेशा यही चीज पूछी जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे राइस की, तो राइस में देखो हमारे पास में डिजीज क्या है, ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, टंगरो, ब्राउन स्पॉट, है ना? अब देखो हमने पहले बोला कौन से क्रॉप की है, तो राइस की डिजीज है सारी, राइस में कौन सी डिजीज आती है, लिस्ट सामने दी गई है,
दूसरा हमने बोला कैटेगरी देख लेते हैं या कॉमन नेम देख लेते हैं। तो ब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? रिच मैन्स डिजीज, ठीक है। बैक्टीरिया ब्लाइट को पुअर मैन्स डिजीज, ठीक है। टंगरो डिजीज को टंगरो ही बोलते हैं। और ब्राउन स्पॉट जो है आपके वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से होती है, इसको हम हेलमिंथो स्पोरियोसिस इस नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी? कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजे। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का क्या है? ज़ैंथोमोनास ओराइजे। राइस टंगरो का वायरस, ब्राउन स्पॉट का बायपोलैरिस ओराइजे। ये सारे साइंटिफिक नेम है। ब्लास्ट का ये क्या है? फंगल डिजीज है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया से होगा, टंगरो डिजीज वायरस से होगा, और ब्राउन स्पॉट अगेन आपका फंगल डिजीज। इज इट क्लियर? ये कैटेगरी हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके सिम्टम्स हैं, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट्स हैं, या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम किस तरह से कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को या कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बेसिक पार्ट से वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, उनको आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। उनको अटेम्प्ट करना मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा सेशन डेफिनेटली देखना और अप्लाइड पार्ट अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम उसमें सारा ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।